ये रात को मैंने ऊपर रखवा लिया था क्योंकि मुझे इसमें प्लांट लगाना है। इसमें ये जंगली घास ये गुड़ी ये हटा के इसको इसमें शिफ्ट करना है। ये प्लांट तो लग गया, काफ़ी मेहनत लगी इसमें बट हाँ ये कम्प्लीट हो गया। नीचे से गंदा हो रहा है, इसे क्लीन कर देंगे। गार्डनिंग ना इजी जॉब बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि तो इसमें ये देखो ये प्लांट है जो इसमें इतनी सारी ये घास जंगली उग गई है और ये इस प्लांट को पूरा खा जाएगी अगर नहीं निकाला तो। इस वाली घास को तो निकालने का ये तरीका बेस्ट है क्योंकि इसकी जड़ ना पूरी की पूरी आपस में बंधी हुई होती है तो ऐसे करके ही निकल जाती है। देख बस हाँ इसके लिए थोड़ी सी मिट्टी ना गीली होनी चाहिए तो इसलिए मैंने पहले पानी डाल दिया। ओहो दीवार गंदी हो गई सारी, बारिश हुई थी और उसके बाद जो तूफान आया ना छत काफी गंदी हो गई, साफ करनी पड़ेगी। पर देखो कबूतर कितना प्यारा लग रहा है चलता हुआ। ये ओम सूर्य देवाय नमः। तो इसे ना मैं जितने ज़्यादा फूल तोड़ती हूँ ना उतने ज़्यादा फूल खिलते हैं नेक्स्ट डे, तो मेरी पूजा के लिए मुझे यहीं से फूल मिल जाते हैं। टंकी भर गई, मुझे नीचे जाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग एरू, यार से गुड मॉर्निंग। नहीं गुड मॉर्निंग, बनाना यार मंकी है, बनाना तो मंकी खाते हैं। मैं अब जा रही हूँ डॉक्टर के यारू को छोड़ के। हाँ यारू ये थोड़ी देर पहले सो के उठाया यार, जय कर दो। जय ना, प्यारा मौसम हो रहा है आज, बहुत ही प्यारा। हाँ यारू ने बताया कुछ तो एक्सप्लेन करा ही है इसने, है ना यारू। हम मान लेते हैं यारू ने बोला कि आप सब भी अच्छे हो, है ना। हाँ यारू कि बच्चे तो हमेशा कहते हैं ऐसे ही चीजें, मतलब विश करते हैं, बच्चों का दिल हमेशा साफ होता है ना यार। हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, हमें 11:30 की अपॉइंटमेंट है हमारी अल्ट्रासाउंड की और हमें यहाँ पे 10:55 हो गए हैं। अभी वो फोटो कॉपी कराने गए हैं, प्रिस्क्रिप्शन और आधार की जो रिक्वायर्ड होता है। आज यार पता नहीं क्यों रोने लग गई थी, वैसे वो रोती नहीं है बट जब हम अब घर पे छोड़ गया तो बिल्कुल भी रुक नहीं रही थी और रो रही थी, तो वहाँ पे मुझे अजीब लगा। फिर ठीक है छोड़ दिया उसे, उसे तो वैसे भी लेके नहीं आ सकते, हॉस्पिटल ले जाना सही भी नहीं होता बच्चों को। मौसम दिखा रही है, मौसम ऐसा है कि बारिश होने वाली है बट हाँ अभी बारिश ना हो तो अच्छा है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम और लेट हो जाएं ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि तो ट्रैफिक मिल सकता है, 1 घंटे का रास्ता है यहाँ से पूरा। ये देखो मौसम कैसा हो रहा है। आधा टाइम में ट्रैफिक मिला था, ज़्यादा टाइम फिर ट्रैफिक मिल रहा है, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ बट ये काम खत्म हुआ, कल फिर से वापस आना है। आज हुए हैं टेस्ट और स्कैन, कल वो रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखानी है। मौसम सुबह का ना उतना ही ख़राब मौसम है, धूप हो रखे तेज़ बाहर। मैंने लिया है बर्गर, बरिंग से रस्ते में पड़ा था शादीपुर मेट्रो स्टेशन के नीचे, भूख लग रही थी। हाँ धूप ऐसी हो चुकी है।
मुझे गाड़ी का ना ये वाला फीचर बहुत सही लगता है, इसमें यहाँ पे दो कप यहाँ आ जाते हैं, तीसरा यहाँ आ जाता है। और ये मैंने घर घर के लिए लिया है, यारू के लिए फ्राइज और उसका, और दो कप यहाँ आ जाते हैं। यार लो अच्छा ये हाँ यार टेस्टी है, यम्मी यम्मी, गलत ना कर देती है, यम्मी यम्मी यार टेस्टी है ना यार। Oh my God! यार ये फिर नानी के जा रही है और खुशी देखो जाने का, ऐसे जो मर्जी कराओ इसे आई एस एग्जाम में बैठा दो ना वो ही पास हो जाएगी, क्योंकि जाना है ना जल्दी जल्दी। बाय कर दो। जय कर दो। Wear your nose. ले लिया ना देखो गेट पे से लेके टीका ही लगा दिया, लो लो यूं करके जैसे पंडित जी ने लगाया था वैसे ही लगा दिया, सबके टीका लगा दिया। देखो ये भी नानी के जा रही है मुझे फिर छोड़ के, अब ये बहुत जल्दी जल्दी जाने लग गई है, बाय जो छोड़ने गए हैं। और यार इतनी एक्साइटेड है और इसके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, अभी आएगी परसों, मैंने बोला था कल ले आना इसे। बच्चों के बिना ना घर अच्छा नहीं लगता, लेकिन ठीक है। जैसा बचपन मैंने दिखाया बच्चों के बिना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या है जो ऐसा मेरा बचपन रहा है अपनी दादी नानी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी मैं और बॉन्ड बहुत अच्छा था, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी डॉटर का बॉन्ड भी ऐसा ही अच्छा रहे अपनी दादी नानी के साथ, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ ठीक है अगर वो टाइम स्पेंड कर रही है और अगर वो मतलब उसको कंफर्टेबल भी है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही वो तो ठीक है वो रह सकती है एक दिन के लिए दो दिन के लिए, क्योंकि जैसा मुझे मेरी मेमोरीज है अपनी दादी के साथ नानी के साथ उसकी भी होंगी, वैसे ही वो मिस करा करेगी अपनी दादी से नानी से अलग है, तो बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो अगर अगर रहती है उनके साथ तो ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो चली गई है तो मैं आगे क्या ही ब्लॉग करूँगी, इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय टेक केयर, आई होप आप सब अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो।